हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एचएस भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वैशाख मास के तृतीय अध्याय की कथा सुनाऊंगा। पहले द्वितीय अध्याय में मैंने आपको बताया कि जलदान और अन्नदान का क्या महत्व होता है। अब आगे की कथा सुना रहा हूँ, तृतीय अध्याय की। कथा को पूरा सुने और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहले दिन की और दूसरे दिन की कथा का अगर आपने नहीं सुनी है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन बटन को दबा के ऑल को दबा दें। बैसाख के महीने में अन्नदान और जलदान का बड़ा महत्व है, ये मैंने आपको द्वितीय अध्याय में बताया था। तृतीय अध्याय में श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य बैसाख मास में सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। जो लोग बैसाख के महीने में चारपाई दान करते हैं किसी गरीब को, आवश्यक वाले इंसान को, और वह इंसान उस पर सोता है, उसके आशीर्वाद से दान करने वाले का शरीर हमेशा निरोगी रहता है, निरोगल रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मुख्य पद को पाता है। उसके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जितने दिन इंसान उस चारपाई पर सोता है और आशीर्वाद देता है, उतने आशीर्वाद से उस दान करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने व अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है, उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं होता। वह संसार के भोगों को भोगकर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ लोक को जाता है, उसके कुल में कोई भी अधर्मी नहीं होता, कुल की वृद्धि होती है और संतान यानी पुत्र की प्राप्ति होती है। जो बैसाख मास में सैयादान करता है, सैयादान का मतलब है कि गरीब को कंबल, रजाई आदि दान करता है, उसका बड़ा महत्व होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यानी जो लोग सैयादान करते हैं यानी वस्त्र दान करते हैं तो उनके 7 कुलों को जो है वह अपने 7 कुलों का उद्धार कर लेता है, उसके 7 कुल बैकुंठ में वास करते हैं। जो बैसाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो मनुष्य चटाई या आसन का दान करता है उसको बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। जो पुष्प और कुकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुसा का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं से सहाय किया जाकर मुख को प्राप्त होता है। जो लोग कुसा का दान करते हैं, कुसा का दान का मतलब यह है कि भिगो करके धोकर के कुसा गणेश जी पर चढ़ाते हैं या भगवान के सामने चढ़ाते हैं, उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है, बैकुंठ लोक बात होता है और इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसाख के महीने में प्रतिदिन कुसा का दान जरूर करना चाहिए। कुसा का दान मतलब कुसा का आसन दान कर सकते हैं या कुसा भिगो करके भगवान के सामने हरी जो दुर्वा होती है भगवान गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। जो मेष संक्रांति में केतकी और मलका का दान करते हैं वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। जो सुपारी सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करते हैं वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो सुपारी और नारियल यानी जो जटा वाला पानी वाला नारियल होता है वह भगवान के सामने चढ़ाए, सुपारी चढ़ाएं, हरी घास चढ़ाएं, जिससे उनके जो है 7 जन्म तक
उच्च कुल में जन्म प्राप्त होता है इस मनुष्य को। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसको अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर के बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग तालाब कुआं बावड़ी प्याऊ आदि लगवाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही बन जाता है। जो लोग रास्ते में किसी धर्मशाला पर किसी बाग पर जहां भी लोगों की आवश्यकता होती है ऐसी जगह पर प्याऊ लगवाता है और गर्मी से पीड़ित व्यक्ति उसका जल पीते हैं तो मानो सारे धर्म उसके अधीन हो जाते हैं। इतना पुण्य मिलता है। जो प्याऊ लगवाता है उसके सात कुलों तक माता लक्ष्मी उनके घर में वास करती है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र ये समानीय है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान ना हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। यानी जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है या किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है जो मैंने आपको बताए हैं उनको उनका दान अवश्य करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको तृतीय अध्याय की कथा सुनाई। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज का दान करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं खानी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और मैं अपने चैनल पर हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो डालता हूं, उसके साथ में ये धार्मिक कथाएं भी मैं लगातार 30 दिन तक डालूंगा।